हेलो फ्रेंड्स, आपका सरकारी रोजगार डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्ष है और आज मैं बात करने जा रहा हूँ राजस्व विभाग की भर्ती के बारे में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट्स आपको आगे भी लगातार मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की भर्ती के बारे में। दोस्तों, ये भर्ती डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की है यानी कि राजस्व विभाग की भर्ती है और ये रिक्रूटमेंट होने जा रही है जीएसटी तथा सेंट्रल एक्साइज के ऑफिस के लिए। तो दोस्तों, जहाँ तक अप्लाई मोड की बात है तो इसका अप्लाई मोड ऑफलाइन है। इसके लिए आपको प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजना है विद अदर डॉक्यूमेंट्स। और दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं फर्दर डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, जहाँ तक इस भर्ती के लिए एज लिमिट की बात है यानी कि आयु सीमा की बात है तो कैंडिडेट की एज 18 साल से कम तथा 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसके लिए क्रूशल डेट है 1 जनवरी 2020 यानी कि 1 जनवरी 2020 ही के हिसाब से आपकी एज की गणना की जाएगी। ये क्रूशल डेट है दोस्तों। और दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ कैंटीन अटेंडेंट की वैकेंसीज के बारे में। इसमें टोटल वैकेंसी 4 हैं यानी कि 4 है और इसका जो पे लेवल है लेवल 1 का है दोस्तों। इसका पे मैट्रिक्स 18,000 से लेके 56,900 है। और जहाँ तक एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है तो इस पोजीशन के लिए दोस्तों मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास मांगा गया है या इसके बराबर की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। दोस्तों, जहाँ तक डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात है तो इसमें 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों, कुकिंग का, कैंटीन में या किसी होटल में। अगली वैकेंसी दोस्तों कलर की है और इसमें केवल एक ही पोजीशन खाली है जनरल के लिए और इसका पे लेवल लेवल 2 का है दोस्तों। जहाँ तक पे मैट्रिक्स की बात है तो इसका पे मैट्रिक्स 19,900 से लेकर 63,200 है। और जहाँ तक एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है तो इसमें 12वीं पास मांगा गया है या इसके बराबर की क्वालिफिकेशन मांगी गई है विद कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। और दोस्तों, जहाँ तक टाइपिंग स्पीड की बात है तो आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 35 वर्ड होनी चाहिए इंग्लिश में या 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में ऑन कंप्यूटर। और दोस्तों, जैसे बताया कि इसका अप्लाई मोड ऑफलाइन है, इसके लिए आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों मदुरई जीएसटी कमिश्नरेट के वेबसाइट से। और इसका वेबसाइट का लिंक है दोस्तों, इसके लिंक का एड्रेस है दोस्तों http://www.gstandcentralexcisemadurai.gov.in। इस पर जाके दोस्तों आप प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और मैं भी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। और दोस्तों, जहां तक लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन की बात है तो इसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी 2020। तो दोस्तों, ये था सब डिटेल जो मैंने आपको बताया और इनके हिसाब इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं तो इनके जनरल कंडीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। और आपसे विनती है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, इन केस आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको आगे भी लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू वेरी मच।